नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका की जगह के चार दावेदार। बाल दिवस पर बालकों ने लगाई पुलिस थाने में झाड़ू। क्रिकेट मैच पर सट्टा, दो गिरफ्तार। और बाल दिवस से बालक कोसों दूर। समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की खुली जगह पर अब चार अपना दावा कर रहे हैं। सिटी न्यूज की पहल के बाद कार्रवाई करने पहुंची ममता की टीम को उल्टे पैर लौटा दिया गया। पुराना कॉटन मार्केट में जिला उद्योग केंद्र के सामने वाली खुली जगह पर अतिक्रमण धारकों ने कब्जा जमा लिया है। यह बात महानगर पालिका के ध्यान में सिटी न्यूज ने लाई, तब ममता की टीम वहां पहुंची, किंतु वहां कब्जा करने वालों ने ममता की टीम को भगा दिया, जिसके कारण अब ममता के अधिकारियों को पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। इससे भी मजेदार बात यह है कि यह जगह किसकी है, इसे लेकर भी अवाक कर देने वाली बात सामने आ रही है। इस जगह पर कलेक्टर, महानगर पालिका, विदर्भ चेंबर व भूभार, ये चारों अपना अधिकार बता रहे हैं, जिसके कारण ममता के सामने नया प्रश्न पैदा हो गया है। एक ही जगह पर चार अपना अधिकार बता रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन का कामकाज यानी अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली बात हो गई है। ममता की टीम अपनी ही जगह से भगाकर वापस आती है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनमें कितना दम है। विशेष बात यह है कि ममता को यह बात नहीं पता कि उनकी खुली जगहें कहां कहां हैं। ममता को बताना पड़ता है कि भैया ये जगह आपकी है। ममता के अधिकारी व कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों को अंधेरे में रखकर दिशा भूल कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के भूमि अभिलेख विभाग का काम पारदर्शी नहीं है। यहाँ पैसे गिने बगैर कागजात एक इंच भी आगे नहीं सरकते हैं, जिसके कारण अधिकारी व कर्मचारी एक दूसरे को उल्लू बनाते रहते हैं, जिसमें आम आदमी पीसा जाता है। ममता की जगह ममता को ही नहीं पता रहना, खुली जमीन पर अतिक्रमण धारकों का कब्जा, वहाँ पार्किंग से अवैध वसूली, ये सभी बातें महानगर पालिका को पता ही नहीं है, अथवा कर्मचारी ऊपर ही ऊपर मलाई खाकर किसी को कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये सभी लक्षण अधोगति के हैं, जो अकोला वासियों का दुर्भाग्य ही है। बाल दिवस पर ही पुराना शहर पुलिस थाने में दो बालकों को झाड़ू लगाते देख सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर चाचा नेहरू की जयंती अर्थात बाल दिन पर ही सुबह सुबह पुराना शहर पुलिस थाने में दो बालक श्रमिक झाड़ू लगाते नजर आए। बाल दिवस पर बालकों को पुराना शहर पुलिस थाने में झाड़ू लगाते देख पुलिस कर्मियों को छोड़ सभी को जोर का झटका धीरे से लगा। भारत देश में नाबालिगों से किसी भी प्रकार का काम कराना कानूनन अपराध है, बावजूद इसके इस प्रकार के कानून की धज्जियां उड़ रही है। पुराना शहर पुलिस क्या इस कानून को नहीं जानती, या फिर उन्हें बाल श्रमिकों से कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। जब पुलिस ही नाबालिगों से बाल दिवस पर अपने थाने में झाड़ू लगा रही है, तो फिर अन्य लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। स्थानीय सावतराम मिल चौल के पास स्थित एक घर में क्रिकेट का सट्टा चल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल पर धावा बोलते हुए दो व्यक्तियों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की हद में आने वाली सावतराम मिल चौल के पास स्थित सरकारी उद्यान के पीछे सराफ नामक व्यक्ति के घर में क्रिकेट का सट्टा चल रहा था। गुप्त जानकारी के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री विलास पाटिल ने घटनास्थल पर धावा बोलते हुए दीपक सराफ व पवन सराफ को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक टीवी, 8 मोबाइल तथा अन्य सामान, इस प्रकार कुल 31,690 रुपए का माल जब्त किया। भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच शुरू टेस्ट क्रिकेट मैच पर यह सट्टा खेला जा रहा था। यह कार्रवाई
सिटी कोतवाली पुलिस के थानेदार श्री पाटिल, पुलिस हेड कांस्टेबल मधुकर बुटे, शेख हासम, धम्मदीप गवई, सुभाष पारधी, मुन्ना ठाकुर तथा गोपाल मुकुंदे ने की। घटना के संदर्भ में थानेदार श्री विलास पाटिल ने सिटी न्यूज को बताया। पुलिस क्रिकेट वर सट्टा चालू है खोलेश्वर मध्य पवन सराफ आणि दीपक सराफ हे आपल्या घरामध्ये टीव्हीवर क्रिकेट मध्ये भारतची मॅच जी चालू आहे वेस्ट इंडीज आणि भारत मध्ये त्यामध्ये कोण जिंकेल कोण हारेल कोण किती रन काढेल कोण सेंचुरी मारेल या याच्यावर क्रिकेट बेटिंग खेळत आहे अशा खबरीवरून माहिती मिळाली असता पोलिसांनी छापा मारला असता त्यामध्ये टीव्ही 8-9 मोबाईल मिळाले कॅल्क्युलेटर मिळाला आणि जवळजवळ 31,000 ऐवज म्हणून आलेला आहे। पोलिसांनी त्या दोन इसमांविरुद्ध जुगार ॲक्टनुसार कायदेशीर कारवाई केली आहे। 14 नवंबर को बाल दिवस के मद्देनजर सिटी न्यूज ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें यह बात खुलकर सामने आई कि इतने सालों में कई योजनाएं चलाने के बाद भी बच्चों की अवस्था सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ गई है। सोमवार 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालकों के विकास के लिए केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती आ रही है किंतु इन योजनाओं से बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा है बल्कि सभी और बालकों की अवस्था और अधिक विकट होती नजर आ रही है। बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार का विकराल रूप, शिक्षा का बाजारीकरण जैसी कई ज्वलंत समस्याएं हैं जिनमें बचपन की बातें करना बेमानी है। सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें यह हर कोई चाहता है लेकिन वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों के कारण अधिकांश बच्चों को 2 जून की रोटी पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 100 में से 10 बच्चे खुशहाल तो 90 बच्चे बदहाली का जीवन जीने के लिए विवश है। यह जीवन का कटु सत्य है जो हम चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। 10% बच्चे स्कूलों में 2 समय का भोजन और आरामदेह जगहों पर रह रहे हैं, तो 90% बच्चे अपनी तथा अपने घर के सदस्यों की पेट की आग बुझाने के लिए पथरीले रास्ते पर चलने के लिए विवश है। कोई बच्चा चाय की दुकान पर, कोई बच्चा गैरेज में, कोई रिक्शा चलाने में तो कोई कबाड़ बीनने में ही अपनी जिंदगी बिता रहा है। आज भी देश की सड़कों पर रंग रंग बच्चे बच्चियां जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, गैजेट ये सारे उपकरण और सुविधाएं उन बच्चों के लिए है जो 10% की संख्या में आते हैं। आज भी 90% बच्चे अपना मनोरंजन एक दूसरे के साथ धींगा मस्ती, रूठना मनाना, झगड़ना में खोजते हैं। कई दशकों से भारत के बच्चों की ये तस्वीरें बदल नहीं पा रही है या यूं कहिए ये तस्वीरें और बिगड़ती जा रही है। इस कटु सच्चाई को स्वीकारते हुए कहीं न कहीं इसके लिए हम भी दोषी है यह मानना चाहिए तभी जाकर हम बाल दिवस का सही अर्थ जान सकते हैं। शहर की कई भीषण समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्री गणेश पोटे ने मोरना में लटक कर अभिनव आंदोलन शुरू किया है। अकोला शहर भीषण समस्याओं की चपेट में आ गया है जिसके कारण लाखों लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर की कई समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्री गणेश पोटे ने मोरना नदी में लटको आंदोलन शुरू किया है। अकोला शहर के रास्ते दुरुस्त किए जाए, एक दिन के बाद शुद्धिकरण कर जलापूर्ति की जाए, रोजाना रास्तों की सफाई की जाए, शहर को मच्छरों से मुक्त कराया जाए, मोरना नदी की जलकुंभी निकाली जाए, मोरना नदी के पानी में केमिकल डालकर मच्छरों की पैदाश नष्ट की जाए आदि प्रकार की मांगों को लेकर यह अभिनव लटको आंदोलन सोमवार 14 नवंबर से शुरू किया गया है। श्री गणेश पोटे के अभिनव आंदोलन को देखने के लिए लोगों ने भीड़ की थी। बार्शीटाकली अकोला मार्ग पर भीषण दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बार्शीटाकली से अकोला मार्ग पर आलंदा कृषि विभाग के पास मिनी डोर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक महान निवासी अनिसुद्दीन मोइनुद्दीन की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मिनी डोर चालक फरार हो गया। यह मिनी डोर
महान निवासी संदीप सुरड़कर की थी। यह दुर्घटना सोमवार 14 नवंबर की दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई। मृतक अनिसोद्दीन यह अकोला के इरिगेशन विभाग में कार्यरत था। मृतक के परिजनों ने दोषी चालक पर कार्रवाई की मांग की है। घटनास्थल पर बाशीटाकली थाने के पुलिसकर्मी घोगरे गजभार मेजर पहुंचे थे। कापशी की ग्राम पंचायत जलाने को लेकर गांव में संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कापशी की ग्राम पंचायत जलाने को लेकर सत्ताधारी तथा नागरिकों में संघर्ष शुरू हो गया है। इस प्रकरण से संबंधित शिकायतकर्ता तथा अन्य दो लोग कापशी फाटापट से घर जा रहे थे। इस समय उसी गांव के दिलीप चतरकर, रविंद्र चतरकर, पुरुषोत्तम चतरकर तथा शिवाजी चतरकर ने इन तीनों को बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान विश्वनाथ गवई तथा अंभोरे किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल हुए तथा उन्होंने ग्रामवासियों को घटना के बारे में बताया। ग्रामीण जब घटनास्थल पहुंचे तब महेश विदाटे वहां से गायब था। घर वालों ने रात भर महेश की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने के कारण परिवार के लोग चिंतित हो गए। ग्रामीणों की मांग है कि पातूर पुलिस अविलंब इस ओर ध्यान दे, वरना किसी अनर्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सिटी कोतवाली पुलिस ने गांधी जवाहर बाग में अश्लील हरकतें कर रहे युवक युवतियों को पकड़ा। गांधी जवाहर बाग में सिटी कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर अश्लील हरकतें कर रहे लड़के लड़कियों को पकड़ा। गांधी जवाहर बाग में मारे गए छापे में पुलिस ने विष्णु मस्तूत, अमोल वानखड़े, अंसार अली, मंगेश निशान राव सहित चार लड़कियों को पकड़ा। यह कार्यवाही सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। इस पार्क में युवक युवतियों का जमघट लगता है, जो अश्लील हरकतें करते हैं। इस आशय की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह कार्यवाही की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं पातूर तहसील की हलचल पर। पातूर तहसील में स्थित ग्राम आस्टूल में प्रतिवर्ष गौतम बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना दिन मनाया जाता है। यह कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से अबाधित रूप से मनाया जा रहा है। इस समय भीम ज्योत बुद्ध विहार में सैकड़ों की तादाद में बौद्ध बंधु इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसके मद्देनजर सुबह पूजा तथा धम्म ध्वज रोहण के अलावा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बी संघपाल का भाषण भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अंत में रोग निदान शिविर तथा महाप्रसाद आयोजित किया गया। एक ही रात में 2 जगह सेंधमारी करके चोरी को अंजाम देने की वजह से पातूर शहर में भय व्याप्त हो गया है। इस शहर के निवासी श्री अन्ना बगाड़े व श्री देशपांडे के घर में चोरों ने सेंधमारी करते हुए 16,000 रुपए की चांदी तथा नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। ये घटनाएं पातूर के गुजारी परिसर तथा तेलीपुरा में घटी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आदमी मानसिक रूप से कितना विकृत हो सकता है, यह बात पातूर शहर में देखने मिली। इस शहर की नगर परिषद शाला का चपरासी सुबह स्कूल पहुंचा और रोजाना की तरह वह शाला का कार्यकाल तथा अन्य कमरों के ताले खोलने गया तो उसने देखा कि कमरों के तालों तथा दरवाजों पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मल फेंका हुआ है। घटना की जानकारी फौरन पातूर पुलिस स्टेशन में दी गई। इस घटना का पूरे शहर में निषेध व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस आरोपी की खोज में जुट गई है। इस शर्मसार घटना की वजह से बच्चों को पूरा दिन शाला के मैदान पर बैठकर ही पढ़ना पड़ा। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती उत्साह से मनाई गई। गांधी जवाहर बाग में ज्येष्ठ नागरिकों ने नेहरू जी का अभिवादन किया। 14 नवंबर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित नेहरू की जयंती अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। सोमवार 14 नवंबर की सुबह अकोला के गांधी जवाहर बाग में ज्येष्ठ नागरिकों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूर्णाकृति पुतले पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को व्यक्त कर उनके आदर्श जीवन में लाकर मनुष्य जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री रामकिशोर श्रीवास ने भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर अपने विचार सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त किए। जवाहरलाल जी के कारण तीसरा महायुद्ध संसार में होने से बचा, क्योंकि उन्होंने तटस्थ देशों का एक मंडल बनाया था, जिससे अमेरिका और रूस बीच में टकरा रहे थे, पर वो शांति के कारण उनका युद्ध नहीं हुआ। जवाहरलाल जी अपने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जो कई वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे
और उनके कारण ही देश में विकास और उद्योग का सबसे बड़ा सपना उन्होंने पूरा किया। श्री क्षेत्र कोंडोली से शेगांव के लिए निकली पैदल डिंडी का अकोला में भव्य स्वागत किया गया। इस डिंडी में लगभग 2000 वारकरी शामिल हुए हैं। श्री क्षेत्र कोंडोली से शेगांव के लिए पैदल डिंडी निकाली है। इस डिंडी में लगभग 2000 वारकरी शामिल हुए हैं। कोंडोली से निकली पैदल डिंडी का रविवार को अकोला में आगमन हुआ। अकोला के जवाहर नगर स्थित मुकुंद नगर के श्री गजानन महाराज मंदिर में यह डिंडी रुकी। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने श्री गजानन महाराज की पालकी के दर्शन किए। इस पालकी को बिजली बल्बों से सजाया गया था, जो अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रही थी। मुकुंद मंदिर में रात भर विश्राम करने के बाद सोमवार की सुबह यह पैदल डिंडी शेगांव के लिए रवाना हुई। पैदल डिंडी में शामिल सभी वारकरी ताल व मृदंग की लय पर भजन लहरियों के साथ थिरक रहे थे। सोमवार को शहर के प्रमुख मार्गों से यह डिंडी गुजरी, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। बोरिंग चालू करने की बात को लेकर एक ही समाज के दो गुट आमने सामने आने के कारण पुराना शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पुराना शहर के अलका बैटरी के पास बोरिंग शुरू करने की बात को लेकर एक ही समाज के दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। भारी विवाद के बाद पथराव की घटना के कारण यहां की दुकानें बंद हो गई थी और भारी जमाव भी जमा हो गया था। इस घटना की जानकारी पाते ही पुराना शहर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर परिस्थिति पर काबू पाया। इस घटना को लेकर पुलिस ने सईद अहमद, शेख छोटू व मोहम्मद आरिफ मोहम्मद राजिक को गिरफ्तार किया है। मुख्य बस स्थानक से पुलिस ने दो जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। ये जेब कतरे बस में चढ़कर यात्रियों की जेब तराश रहे थे। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की जेब काटने का प्रयास कर रहे दो जेब कतरों को बस स्थानक पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने पकड़ा। अकोला के खैर मोहम्मद प्लॉट निवासी शेख अजीज शेख मन्नान और यूनुस खान ये दोनों पातू रकोट बस में सवार होकर यात्रियों की जेबें काटने का प्रयास कर रहे थे। इन दोनों जेब कतरों को पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले किया गया। अकोला के वीएचबी कॉलोनी स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर में देव दीपावली का आयोजन किया गया। अकोला के वीएचबी कॉलोनी स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर में रविवार की रात देव दीपावली का आयोजन किया गया। देव दीपावली के चलते श्री गजानन महाराज मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसर में निकाली गई रंगोली सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। देव दीपावली पर श्री गजानन महाराज मंदिर व परिसर को 3001 दीपकों की आरास से सजाया गया था। इस देव दीपावली को देखने के लिए लोगों ने भारी भीड़ की थी। देव दीपावली के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वीएचबी कॉलोनी के सभी नागरिकों ने अपना सहयोग दिया था। स्थानीय बालाजी धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुकुंद महाराज भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। मनुष्य केवल प्रपंच तथा पारिवारिक गतिविधियों में उलझा होता है। स्वार्थ को महत्व देकर विश्व की आध्यात्मिक बातों की ओर अनदेखी करके पृथ्वी तल का कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का पठन श्रवण करने के साथ ही ध्यान का महत्व पहचान कर अपने जीवन में ध्यान साधना को अपनाना चाहिए, ऐसा उद्बोधन मुकुंद महाराज जाट देवलेकर ने किया। स्थानीय बालाजी धाम तिरुपति तंत्र निकेतन प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि हम जो दैनंदिन अपनी आँखों से देखते हैं वह सब असत्य होता है, केवल परमात्मा ही सत्य होता है। हमें जो दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, वह सब मृगजल होता है। तेजमय कभी मृगजल में स्थापित नहीं हो सकता। ईश्वर केवल हरि कथा से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए हरि कथा का पठन एवं श्रवण प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक उदाहरण देकर जाट देवलेकर महाराज ने उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव के तहत प्रमिलाताई ओक सभागृह में महाराष्ट्र समाज देवास द्वारा समान धागा नामक नाटक को प्रस्तुत किया गया। अकोला सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-2012 का 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इस महोत्सव अंतर्गत आज महाराष्ट्र समाज देवास द्वारा आयोजित समान धागा नामक नाटक शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। नाटक में कलाकारों की अदाकारी ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज नाट्य महोत्सव के 5वें दिन समान धागा नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में 15 कलाकारों ने अपनी अदाकारी प्रस्तुत की। समान धागा का दिग्दर्शक अश्विनी फड़के,
लेखन दिलीप सुपेकर, सहायक लेखन मधुकर काले, वेशभूषा श्रीमती श्रुति जोशी, रंगभूषा प्रतीक बिवलकर ने की। इस नाट्य में श्रीमती लता सुपेकर, श्रीमती वृषाली आपटे, श्रीमती शिखा ढोपकर, तारिणी कमरकर, शांतनु बेहेर, अनुज पुराणिक, सिद्धार्थ ढोपकर, मयंक तेलंग, अंकित पुराणिक, अभिजीत देव, दीपेश क्षीरसागर, राहुल कुलकर्णी, विजय जोशी, शेखर ढोपकर, संजय बेलापुरकर ने भूमिका निभाई। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका की जगह के चार दावेदार। बाल दिवस पर बालकों ने लगाई पुलिस थाने में झाड़ू। क्रिकेट मैच पर सट्टा, दो गिरफ्तार। और बाल दिवस से बालक कोसो दूर। फिर मिलेंगी शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।